हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के बना रहा हूँ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है आइए आपको दिखाता हूँ। आज हम लोग यूज करेंगे एक खास किस्म का फॉर्मूला, तो चलिए ओपन करते हैं एक्सेल को। ये हमारा एक्सेल है, अब यहाँ पर एक खास फॉर्मूला यूज करना है, उसको अलग अलग तरीके से यूज करके दिखाऊंगा और ये आपको मिलेगा एक्सेल 365 में, यानी एक्सेल 2021 अगर आप यूज करते हो उसमें आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है, इसके अलावा गूगल शीट में भी मिल जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला इक्वल्स टू से ही शुरू होता है। अगला तरीका ये है कि आप एफएक्स पे जाकर के भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर लीजिए जो भी फॉर्मूला आपको यूज करना हो। फिलहाल हमें यूज करना है सीक्वेंस, तो हम लोग अपने जो हमारा ट्रेडिशनल वे है इक्वल टू लगा करके उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाना है, सीक्वेंस का क्या लगाना है सीक्वेंस, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, सिंटेक्स को किनारे करता हूँ और यहाँ 10 लिख करके एंटर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस 1 to 10 आ जाता है आसानी के साथ, आ जा रहा है कि नहीं देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हटाता हूँ, डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, क्या डिफरेंट करेंगे आइए दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले इक्वल टू लगाइए, फिर यहाँ सीक्वेंस, तो फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है। अब यहाँ डिफरेंट क्या है भाई उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करता हूँ 1, 10 कर देता हूँ, 1 से लेकर 10 तक। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप इस फॉर्मूले को लिख रहे होंगे तो यहाँ पे रोज दिया होगा और फिर कॉलम दिया होगा, फिर स्टार्ट और स्टेप दिया गया है। इसका मतलब अभी आपको समझाता हूँ, पहले इसको क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो 1 से लेकर के 10 तक ये जो है अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, देख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब चलिए इसको भी डिलीट करते हैं, अगला जो वे है उसको देखते हैं, अगला तरीका जो है उसको देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे फिर सीक्वेंस लगा रहा हूँ, SEQUENCE सीक्वेंस आ गया। अब देखिए अगला तरीका क्या है इसमें, इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखता हूँ 10, ठीक है, यहाँ 10 लिख दिया रो में, और कॉलम में क्या लिखता हूँ, कॉलम में लिख देता हूँ लाइक 2 लिख देता हूँ, 2, ठीक है, और कॉलम में 2 लिख दिया, और यहाँ पे क्या करूंगा 2 का यहाँ पे स्टार्ट दूंगा और 3 का स्टेप दे देता हूँ, 3 का स्टेप, और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो ही कॉलम में आए हुए, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में 10 लिखा हुआ था, आप देख भी सकते हैं। तो ये देखिए ये पहला हो गया रो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, दसवां, यानी कुल मिला के 10 रो और 2 कॉलम में ही वैल्यूज आई हैं। और स्टार्ट और स्टेप तो अगर आपने पाइथन की थोड़ी बहुत मेरी वीडियोस देखी है तो वो तो समझ में आ ही जाएगा, स्टार्ट यानी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और स्टेप यानी कितने कितने का स्टेप लेके चल रहे हैं। जैसे अगर 1 लिखा है तो 2 का स्टेप लेंगे तो 1 के बाद जो 2 का स्टेप आएगा वो दूसरा नंबर आएगा, ठीक है, तो ये मतलब होता है। तो यहाँ 2 का 2 से स्टार्ट किया गया है और 2 का ही स्टेप लिया गया है, ठीक है, देख सकते हैं ना। तो यहाँ 2 से स्टार्ट किया और 2 के स्टेप के बाद देखिए यहाँ पर 2 से स्टार्ट हुआ, 2 का स्टेप क्या हुआ, 2 का स्टेप जो है आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद 3, 4 तब 5 आएगा, तो 2 का स्टेप हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 आया है, तो 8 का स्टेप क्या होगा 9, 10, तो 9 और 10 के बाद 11 आएगा, फिर देखिए यहाँ 14 का स्टेप है, तो 14 के बाद 15, 16, तो 17 आया है, तो बिल्कुल सही है। आई होप कि आपको ये सीक्वेंस फॉर्मूला समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।